जर्नी टू बॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है। तुम्हारा गिटार लेके आओ जरा। और अपने अभिनय से लोगों का दिल भी जीता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज अर्जुन के बारे में। Hi, this is Raj Arjun. राज अर्जुन जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में जायरा के पिता की भूमिका निभाई है। ये कैसी लाइफ जी रहे हैं हम? सांस लेने तक को अलाउड नहीं हमें। अरे तेरे पास जैसे भी है, मेरे शौहर हैं। सूत्रों से पता चलता है कि राज अर्जुन मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं और अप्रैल 2000 से मुंबई बॉलीवुड में हैं। उनकी पत्नी सानिया एक डांस टीचर और बेटी सारा अर्जुन इंडियन चाइल्ड एक्ट्रेस है। माया नगरी मुंबई में अक्सर ऐसा होता है कि टैलेंटेड एक्टर को अपनी कला का जौहर दिखाने में काफी समय लग जाता है। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन राज से। And I started doing theater over there, and I started doing theater in amateur group. I used to work with amateur groups, like different directors over there who are very known in theater and all. And then I started working with Habib Tanveer Saab. Right. And I did theater with him and in Bhopal Bharat Bhavan as well for a long time. Then I moved to Bombay. तो काम नहीं मिल रहा था और सालों से नहीं मिल रहा था और जो मिल रहा था वो ऐसा ही था, तो मैं मजबूरी में काम किए जा रहा था सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। 2015 में मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम भी नहीं करूँगा, करूँगा ही नहीं, मैं खुश हूँ, सारा काम कर रही है, मैं चलेगा मेरा। 2016 या 17 में सारा को मुकेश के ऑफिस में बुलाया गया फितूर फिल्म के लिए। मुकेश शावा ने फितूर फिल्म के लिए, उसमें सारा का नहीं हुआ एज की वजह से। कि राज भाई ये एक ऑडिशन हमने शुरू किया, आप दे दीजिए ना चार लाइन। उसने चार लाइन मुझे दी थी वो लैपटॉप वाले सीन की, वो मैंने पढ़ी, मुझे लगा मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। ये कनेक्ट कर गया, मैं कनेक्ट कर गया। वो जैसा फिल्म में देख रहे हो ना, आप ऑलमोस्ट 1920 ही मैंने किया। उसमें सिर्फ ये था कि लैपटॉप मुझे फेंकना था, तो मैंने कागज़ जैसे उठाते कागज़ को छोड़ देते हैं, मैंने कागज़ को छोड़ दिया, मैंने फेंका नहीं। वो अद्वैत तक पहुंचा, अद्वैत को बहुत पसंद आया, वो आमिर सर तक पहुंचा, आमिर सर को बहुत पसंद आया, तो काम ऐसे मिला। तो हम आशा करते हैं कि राज अर्जुन इसी तरह अपनी कला के अभिनय से लोगों का दिल जीतते रहें और उन्हें और भी बड़ी बड़ी फिल्म्स में काम करने का मौका मिले। फॉर मोर बॉलीवुड डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट द अपडेटेड न्यूज़।